हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे विंडो 7, 10, विंडो 11 में रन हिस्ट्री कैसे क्लियर करते हैं। जैसे कि रन में कुछ भी टाइप करते हैं तो ऑलरेडी से जो भी पहले से कमांड लगाई हुई है वो कैसे हटाएं, मतलब इसको कैसे क्लियर करें, तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे विंडो में जो रन की हिस्ट्री है वो कैसे क्लियर करते हैं। आपको सबसे पहले विंडो की के साथ में आर की प्रेस करना है। विंडो की के साथ में आर प्रेस करेंगे या आप स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके रन यहां से भी खोल सकते हो। तो विंडो के साथ में आर की प्रेस करेंगे और इसमें टाइप करेंगे regedit रैग एडिट के बाद में इसको यस कर देंगे। इसमें दोस्तों एच की करंट यूजर इसको एक्सपेंड करेंगे, यहां पे जो एरो का निशान है इसको क्लिक करेंगे इसकी करंट यूजर को एक्सपेंड करने के बाद में दोस्तों आपको आना है सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे एक्सपेंड करेंगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों इसमें आपको लिस्ट होगा विंडोज, नीचे ड्रॉप डाउन करके विंडोज, आपको विंडोज पे आ जाना है। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके अंदर आएगा करंट वर्जन, करंट वर्जन के अंदर एक्सपेंड करेंगे के बाद में इसमें आ जाएगा एक्सप्लोरर में, आपको एक्सप्लोरर क्लिक को एक्सपेंड करना है। ये एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोरर को एक्सपेंड किया तो इसके अंदर आपको आना है रन MRU एक्सप्लोर के अंदर, आपको रन ये देख पा रहे हो ये रन MRU पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो भी रन में हिस्ट्री बनी हुई है वो यहाँ सारी शो कर देगी और आपको डिफॉल्ट जो टैब है इसको डिलीट नहीं करना है। इसके अलावा शिफ्ट बटन दबा के नीचे डाउन की से सबको सेलेक्ट कर लेना है और चाहे तो वन बाय वन आप इनको डिलीट कर सकते हो, जैसे CMD टैब मैनेजमेंट डिस्क जो भी हिस्ट्री बनी हुई है रन में वो सारी यहाँ शो कर देगी, तो चाहो तो आप वन बाय वन ऐसे डिलीट कर सकते हो या इनको साथ सेलेक्ट करके, ध्यान रहिए डिफॉल्ट जो रजिस्ट्री है इसको डिलीट नहीं करना। तो मैं एक साथ सेलेक्ट करके ये मैंने डिलीट कर दिया है गाइस। अब आप रन में देखोगे तो आपकी हिस्ट्री की अब नजर नहीं आई। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के।